तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ एमडी और मैं आप सभी को मेरा इस यूट्यूब चैनल माई एमडी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को दिखाया था कि दो एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके मोबाइल के जरिए आप खुद का रिकॉर्ड किया वीडियो आप किस तरह से एडिटिंग कर सकते हो। तो दो वीडियो का नाम था, एक था काइन मास्टर, दूसरा था पावर डायरेक्टर। तो ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको काइन मास्टर का कुछ ऐसा फीचर्स आप सभी को दिखाऊंगा जो देख के आपको समझ आ जाएगा किस तरह से वीडियो एडिटिंग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लेना, और इस चैनल से हमेशा जुड़े रहने के लिए बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा के ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको यूट्यूब के हर सवाल से जुड़े जवाबी तो सबको वीडियो मिल जाएगा। तो इस चैनल में जो भी चीज़ आपको दिखाई जाएगा वो आपको देख के और सीख के आप भी एक अच्छा यूट्यूबर बन सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कीमती समय बर्बाद किए बिना चलते सीधे आज के टॉपिक के ऊपर। तो वीडियो एडिटिंग आप सुन के आप घबरा जाते हो कि वीडियो एडिटिंग करना बहुत मुश्किल काम है, मुझे वीडियो एडिटिंग करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं, आप थोड़ा ही कुछ ही स्टेप, सिंपल सा कुछ ही स्टेप सीख के आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। अभी खुद अपने खुद घर में बैठ के अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप एक अच्छा प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, उठा लीजिए अपना फ़ोन और अभी से वीडियो रिकॉर्ड करके वीडियो एडिटिंग करना सीख लीजिए, बिल्कुल ही मेरे जैसा। तो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को ओपन करके मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि काइन मास्टर का बेसिक फीचर्स क्या क्या होता है। तो आप इसे आपको प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप सीधे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, मैंने मोबाइल फ़ोन को ओपन कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना, आपका सीधे चले जाना है काइन मास्टर एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, तो काइन मास्टर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका सामने आ जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो प्लस आइकन यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में जो मिल जाएगा उसके प्लस आइकन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसे क्लिक करने के बाद तो उसके बाद आपको सिलेक्ट रेडियो ऑप्शन को मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो लेफ्ट साइड में मिलता है उसको आपके ऊपर क्लिक कर दें, क्योंकि यहाँ पर से काम आपका बहुत आसानी से आपका एडिटिंग कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपका काइन मास्टर का जो पेज है खुल जाएगा। तो आपके ऊपर मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा, मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आपका मोबाइल में जो वीडियो होता है, जो इमेज होता है, वो देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको गैलरी में मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे क्या कहाँ पर मिल जाएगा, ऑडियो मिल जाएगा। तो ऑडियो में क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मोबाइल में जितना भी ऑडियो है, जितना भी म्यूजिक है, वो सब आपको मिल जाएगा। उसके नीचे आपको वॉइस मिल जाएगा। तो उस वॉइस में क्लिक करके आप अपना खुद का आवाज़ किसी वीडियो पर या किसी इमेज पर आप खुद का आवाज़ लगा सकते हो। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, लेयर मिलेगा। लेयर में क्या मिलेगा, आपको लेयर में मीडिया जैसे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए आपको टेक्स्ट मिलेगा, आपका इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसा होता है आपका स्ट्रक्चर, आपका जो काइन मास्टर का पेज होता है, पेज के इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। तो उसके बाद आपको मीडिया में जाकर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा। तो उसके बैकग्राउंड में क्लिक कर लेता है, उसके बाद आपको इस तरह से बैकग्राउंड आ जाएगा। तो कोई भी एक बैकग्राउंड आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नहीं सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको फिर मीडिया में बहुत कुछ, जैसे कि बहुत इमेज आपको मिल जाता है, तो इस तरह सबका इमेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। तब कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेना। तो मैं आज आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करके ही बता देता हूँ कि किस तरह से सब काम किया जाता है। तो मैंने एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड इस तरह से आपका सामने आ जाएगा। तो इस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इस बैकग्राउंड को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इस तरह से एक इंटरफेस नया आ जाएगा। जैसे कि मेरा अभी बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो बैकग्राउंड सिलेक्ट होने के बाद इस बैकग्राउंड का आपको थोड़ा लेंथ बढ़ा सकते हो, थोड़ा घटा भी सकते हो। जो दो उंगली को जरिए आप इसका लेंथ बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। ठीक है, तो जिस तरह से आपको यहाँ पर जो कैंची का ऑप्शन मिल जाएगा, तब अगर आपने कोई कटिंग वगैरह लगाना चाहते हो तो उस कैंची के जरिए आप कटिंग लगा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस कर्सर को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, दो सेकंड के यहाँ पर मैंने रख दिया। तो मैंने दो सेकंड का पहला वाला जो दो सेकंड है उसको मैं कटिंग करूँगा। तो उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इसके बाद आपको क्या करना, कैंची के ऑप्शन में मैंने क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो उसको जो ऊपर में आपको ट्रिम जो दिखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप लेफ्ट साइड को कटिंग कर सकते हो, उसके नीचे आप राइट साइड का कटिंग कर सकते हो। अगर आपके मिडिल में कोई कटिंग आप करना चाहते हो तो मिडिल का ऑप्शन आपको तीसरे नंबर पर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको थोड़ा लेफ्ट साइड का कटिंग करके दिखा देता। तो मैंने ऊपर लेफ्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से कटिंग हो जाएगा लेफ्ट साइड का ऑप्शन। तो ठीक है, इस तरह से आप कटिंग भी कर सकते हो। अगर आपने चाहते हो कि कलर फिल्टर हो करना चाहते हो तो यहाँ से आप कलर फिल्टरिंग कर सकते हो, जिससे आपको इस तरह से बहुत कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके जो व्हाइट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड का कलर व्हाइट है, तो इस तरह से आपका जो बैकग्राउंड कलर हो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद आपको
तो यहाँ पे अगर आप कुछ लगाना चाहते हो, जैसे कोई इमेज लगाना चाहते हो, कोई MP3 प्लेयर यानी कि कोई ऑडियो लगाना चाहते हो, तो जिस जगह पे आप लगाना चाहते हो ठीक है, उस जगह पे आप यह इस कर्सर को ले जाते हो। उसके बाद क्या करना, आपको सीधा ऑडियो पे चले जाना। यहाँ से ऑडियो, बहुत सारे ऑडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, किसी से किसी को भी आप यहाँ से ऐड कर ले सकते हो। उसके बाद आपको सीधे चले आना है लेयर में। तो लेयर में क्लिक करने के बाद आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे कि मीडिया मिल जाएगा। इस मीडिया में आपको मोबाइल का जो भी गैलरी पे मिलता है ठीक उसी तरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या नीचे मिल जाता है इफेक्ट, इफेक्ट के जरिए आप बहुत कुछ लगा सकते हो। तो आपको 2 या 3 ट्यूटोरियल देखने के बाद ही आप समझ सकते हो कि किस तरह से वीडियो एडिटिंग किया जाता है ठीक है। तो मैंने आज आपको सिर्फ जो फीचर्स होता है काइनमास्टर का वही आपको दिखा देता हूँ। तो उसके बाद आपको नीचे मिल जाएगा इफेक्ट, उसके बाद उभर ले, उसके बाद टेक्स्ट। अब या कुछ लिखना चाहते हो उसके टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप लिख सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, हैंड राइटिंग, जैसे कि आप लिख सकते हो इस तरह का आपको कोई हैंड राइटिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है। तो मैंने तो इसके सीधे आपको यहाँ पर चला आना है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में अगर ऊपर में सबको आपको मिल जाएगा, घूम के कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो इसको क्लिक करने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पर जो आप कटिंग किया है उस कटिंग को वापस लाने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने कटिंग को किया था उस फिर से चले आया ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पर लगा सकते हो। उसके नीचे आपको मिल जाएगा एक इस तरह का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपका वीडियो जो है वो उसको आप सेव कर सकते हो, जैसे कि एक्सपोर्ट लिखा आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर ठीक है। तो उसके बाद आपको उसका नीचे जो मिल जाए मिलता है यह सब सिलेक्ट करके आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो उसके नीचे आपको मिल जाता है एक बटन, उसको आपको दबा के पहले भी आ सकते हो, उसको क्लिक करें लास्ट भी जा सकते हो। तो इस तरह से आप ये वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। लास्ट में आपको जो सीखना पड़ेगा वीडियो किस तरह से सेव किया जाता है ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो मैंने पहले बता चुका हूँ। तो आप क्लिक करने के बाद इस तरह से जैसे इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो ऊपर में आपको मिल जाएगा HD पे आप वीडियो को रिकॉर्ड सेव करना चाहते हो या HD पे सिलेक्ट करना चाहते हो ठीक है, इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, थोड़ा बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के बाद इस तरह से आपका वीडियो जो होता है वो इस तरह से आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरह से जो सेव किया हुआ वीडियो का प्ले कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ एक लाइक एक शेयर तो बनता ही है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बहुत जल्द इसी तरह और एक वीडियो के साथ मिलते हो, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस चैनल को देखते रहिए।